श्रद्धेय श्री साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आज सुखद संयोग है यहाँ के सत्संग जो बरसात के मौसम में जो 5 दिन का सप्ताह भर का प्रतिवर्ष सत्संग का आयोजन होता है, आज उसका समापन दिवस और राष्ट्रपिता बापूजी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री और जिनके प्रति सबके मन में आदर और प्रेम का भाव है, उस लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और एक और पितृमोक्ष, आप लोगों के शब्दों में पितरखेदा है ना पितृमोक्ष का भी है, तो ये एक संयोग है और पितृमोक्ष के बारे में तो आप लोग जानते हैं, मैं उस पर नहीं बोलूँगा। रही बात सत्संग की और गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इस प्रकार के आयोजन होते हैं, मुझे याद है कि प्रयागराज में इलाहाबाद में जब रहना होता था तो कभी कभी गुरुदेव जी बोला करते थे, कभी सभा में ऐसा संजोग कार्यक्रम के समय पड़ा वहाँ भी इस प्रकार की बातें होती थीं गांधी जी के संबंध में। तो राष्ट्रपिता जिन्हें इस देश के लोगों ने कहा राष्ट्रपिता, पिता वह जो जन्म दे, राष्ट्र को जन्म दे, मतलब यह है कि वैसे भारत तो पहले से है, बापूजी के पहले से ही है, लेकिन कह सकते हैं पुनर्जन्म। किस प्रकार से अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने में उनकी अहम भूमिका रही, ये बात सच है कि केवल अकेले बापूजी से ही यह संभव नहीं हुआ है, लेकिन उनका मुख्य रूप से किरदार वे तो थे ही, और जिस ढंग से उन्होंने यह स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी यह अद्वितीय है। लड़ाई के ढंग तो आजकल देख ही रहे हैं, कैसे दुनिया में लड़ाइयाँ चल रही हैं और किस प्रकार लोगों की हत्याएं हो रही हैं, उस समय भी होती रही हैं। स्वतंत्रता यूं ही थोड़ी मिल गई है, बहुत दिन से वो पकते 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 वो सब बदला, सुने हैं ना 1857 में मंगल पांडे और किसका, सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रानी लक्ष्मीबाई और भी तात्या टोपे, किनका नाम पहले आता रहा, वो लोग बहुत पहले से शुरू कर दिए थे और ये प्रक्रिया चलती रही। फिर और भी क्रांतिकारी अपने ही देश में कई होते हुए, चाहे वो राजा वो भगत सिंह हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही, एक और सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत से नाम, किनका लिया जाए, ये जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस समय के थे सबका समवेत सहयोग और मुख्य भूमिका गांधी जी, जिस प्रकार से उन्होंने अहिंसा का पालन किया, जिस प्रकार से उन्होंने तरीका अपनाया दूसरों को कष्ट दिए बगैर, हम अपनी बात कहें, यदि मैं सत्य कह रहा हूँ तो वो सत्य स्वीकार्य होगा, सत्याग्रह, ये बहुत सारी बातें हैं। और मैंने गुरुदेव जी से सुना, गुरुदेव जी ने लिखा भी है, पीताम्बर बड़थवाल ने अपने पुस्तक में लेख में कहीं
कि गांधी जी उधर बनारस एक बार बहुत पहले जाना हुआ था। तो वैसे गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य का प्रयोग, आप में से कई लोग पढ़े होंगे, बहुत पहले पढ़ा था, अभी दो साल पहले फिर से पढ़ा। मुझे जाना हुआ वहाँ अहमदाबाद साबरमती आश्रम। अहमदाबाद जाओ तो साबरमती आश्रम जाना तो बनता ही है, कई बार तो नहीं बनता है संजोग, लेकिन ऐसा संजोग था कि जहाँ साबरमती आश्रम था उसी के बिल्कुल नज़दीक, कदम से पैदल ही बल्कि आगे वहीं रहना था, कुछ भोजन की व्यवस्था थी। तो वो फिर मन में हुआ कि चलो हमारे साथी लोग और लोग हैं, गए नहीं चले गए, तो देखा पुस्तक तो फिर से खरीदा और फिर से पढ़ा। और क्या बताऊँ मैं, उस जो पढ़ने लगा तो पढ़ता ही रहूँ ऐसा लगता चला गया गांधी जी के बारे में जो उन्होंने अपने विषय में लिखा है, जो वहाँ की देश की परिस्थिति के विषय में लिखा है, और ख़ास करके जो दक्षिण अफ्रीका की परिस्थिति के विषय में, कैसे कैसे वहाँ गया, कैसे जाना हुआ, कैसी कैसी समस्याएं होती रही, वो सब पढ़ करके लगता है कि जो उनको महात्मा कहा गया है ना, वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सचमुच उन्होंने जो साधना और तप किया है ये कठिन है। मैं तो कई जगह देखा पढ़ करके, बड़ा कठिन लगा। आज मैं कुछ समय पहले वहाँ एक पुस्तक पढ़ रहा था, APJ अब्दुल कलाम, अपने पूर्व राष्ट्रपति। ये लोग भी सब कमाल के इंसान, जब पढ़ें कभी आप लोगों से, जो लोग भी पढ़ने वाले हैं, अवसर मिले तो ज़रूर APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक पढ़ने जैसी तो है, कई हैं उनकी पुस्तकें। तो जिस पुस्तक की चर्चा मैं कर रहा हूँ, 4 या 5 पुस्तकें तो मेरे पास हैं, मैंने पढ़ी है। एक पुस्तक अदम्य साहस उनकी है, तो उसमें उन्होंने एक जगह जिक्र किया है, जब वो राष्ट्रपति थे तो गए थे दक्षिण अफ्रीका, और उसी समय वो नेल्सन मंडेला से भी मिले थे। तब उन्होंने लिखा कि मेरे मन में हुआ गांधी जी को वहाँ उस स्टेशन में जाऊँ जहाँ से ट्रेन से उनको ढकेल दिया गया था, उतार दिया गया था, जबकि उनको प्रथम श्रेणी का टिकट था। इसके बावजूद अंग्रेज जो गोरे होते थे वे कालों को वहाँ पर प्रवेश नहीं देते थे, यद्यपि उनका अधिकार था। उन्होंने इसीलिए बात हो गई क्योंकि कंपनी की ओर से, जिस कंपनी के लिए वो वकालत करने गए थे, उन्होंने एक दूसरी जगह प्रिटोरिया जाना था उनको, प्रिटोरिया, वो तारीख है 7 जून 1893, 7 जून 1893 की तारीख है। वो बैठे थे और वहाँ जब प्रथम श्रेणी के, क्योंकि वहाँ से उनका टिकट ही मिला था, ऑलरेडी कटा हुआ था उनके पास में, तो उनका तो अधिकार था, लेकिन अंग्रेज आए और उनको कहे यहाँ अधिकार नहीं है काले लोगों को बैठने का। उसने कहा नहीं, मेरा टिकट है, उतर जाओ। मैंने कहा मैं नहीं उतरूँगा, यही तो जिद्दीपना था उनका। अच्छा, वही जिद्दीपना उनको ऊपर ले गए, ये भी सच है। गुरुदेव जी कहा करते थे गांधी जी बड़े जिद्दी थे, लेकिन उनका जिद बड़ा सकारात्मक होता था। एक जिद होता है विध्वंसात्मक, सही है ना, विध्वंस कर देता है, नुकसान करने वाला होता है, लेकिन एक उनका जिद उनका खुद का जीवन बना दिया और हम देशवासियों का भी जीवन बना दिया, ये उनकी विशेषता थी। तो बात याद आई कि APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक में कोट किया है कि वह पीटर मेट्रिसबर्ग, देखो नाम उन लोगों का, उनका ढंग है, विदेश का नाम अलग होता है, इस ढंग से कुछ नाम है पीटर मेट्रिसबर्ग, तो वहाँ वो स्टेशन पर गए देखने के लिए। तो लिखा है, उन्होंने लिखा है, एक पट्टिका लगी है, जैसे कभी कभी जैसे कोई बहुत बड़े पुरुष होते तो कहते हैं ना, ये उनका जन्मस्थली है, ये उनका कार्यस्थली, तो उस स्टेशन में एक बोर्ड लगा है, बोर्ड में क्या लिखा है वो तो इंग्लिश में ही लिखा है वहाँ, तो उन्होंने हिंदी में उसको बताया है कि इस पट्टिका की जगह, इस जगह
1893 में श्री एम के गांधी को ट्रेन से जो प्रिटोरिया जा रहे थे उनसे वहाँ उतार दिया। हम लोग तो सुने हैं कि ढकेल दिया गया, ये भी सही है, धक्का मार के गिरा दिया, और निश्चित है ऐसा किए होंगे, आश्चर्य नहीं है जिस प्रकार से वहाँ बातें हुई है। और ख्याल नहीं आ रहा है कि इसमें कि मेरे सामान फेंक दिया गया, मैं सत्य के प्रयोग में पढ़ा तो सामान फेंक दिए, शायद कुछ किए उनको, निश्चित रूप से उनको धक्का तो दिए होंगे, नहीं तो स्थिति, वो तो उतरने के तैयार ही नहीं थे, और लोग भी जिद ठाने हुए थे कि नहीं इसको उतारना है कह करके, तो धक्का दिए होंगे। एक वक्ता बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि उस दिन उस तारीख को अंग्रेज़ों ने गांधी जी को ट्रेन से ढकेल धक्का मार के गिरा दिया था, गांधी जी ने उसी रात को निर्णय ले लिया था कि मुझे ट्रेन से धक्का मारे हो, मैं आप लोगों को, तुम लोगों को मैं देश से धक्का मार के भगा दूंगा। और सही बात है, देश से धक्का मार के बहुत निकाल ही दिए उनको अंग्रेज़ों को। तो उस पट्टिका में लिखा है कि आज के दिन जब उनके उतारा गया तो उनके जीवन में क्रांति आई, और उसी तभी से उन्होंने ये जो जो क्या कहते काले और गोरों का जो लड़ाई चल रही थी उसके विरुद्ध में उन्होंने एक निर्णय ले लिया। ये जो जातीय पे जो भेद है, नस्लीय भेद को लेकर के उसने विरोध किया, और अहिंसा का अपने जीवन में उन्होंने ये निर्णय लिया और ये काम किया। ये पट्टिका में देखो, मैं शब्द टू शब्द नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये है, ख्याल आया इसलिए कहा। तो गांधी जी का जीवन जब देखें पढ़ें, और लोग भी लिखे हैं गांधी जी के विषय में, कितने लोग लिखे हैं, जब मैं विदेशी लेखकों को भी पढ़ता हूँ और गांधी जी के बारे में वर्णन पढ़ता हूँ कि भारत के विषय में जब लिखना होता है ना, तो उदाहरण जब देते हैं गांधी जी के विषय में, कभी बुद्ध के विषय में, कुछ लोगों का देखो, बहुत से बाहर के लोग हैं, मैं अमेरिकन लेखकों को पढ़ा हूँ, उन्होंने लिखा है एक जगह गांधी जी के विषय में कि गांधी जी के स्वभाव कैसा था, जो हम लोग नहीं कर पाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। देखना, मैं गांधी जी के कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ और अपने जीवन से रिलेट करना, मतलब किस लेवल पर उनकी मानसिक स्थिति थी, कैसा उनका जीवन था, और हम अभी क्या हैं, ये थोड़ा सा एसोसिएट करने जैसा है, तो पता चलेगा कि सचमुच अभी हमारे जीवन में हमें कितना काम करना बाकी है। तो जब कोई घटना घटती है या कोई हमारे साथ में ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित होती, कोई घटना घटती है, उसके बाद मैं कैसी प्रतिक्रिया करता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक है कि सामने वाले के तरफ से कुछ हुआ, या तो उन्होंने मेरा अपमान किया, या तो मुझे उन्होंने गाली दी, या तो कोई नुकसान किया, या कोई ऐसी घटना घटी, वो क्या है, मुझे उद्दीपन के लिए कोई निमित्त बना। अब उसके बाद, उस घटना के बाद मैं क्या उत्तर दे रहा हूँ, मेरी क्या प्रतिक्रिया है, ये मिलकर के ही जीवन का निर्माण होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसने वैसा किया, देखो किया अलग चीज़ है, उनके करने के बाद मैंने क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने एक बात लिखी कि एक ऐसा, अब वो जेलर तो नहीं कहना चाहिए, शायद कोई वायस राय या कोई नाम बताए, भूल गया है, काफ़ी दिनों गए पढ़े, तो उनके जेल में चले गए, वो जेल में क्या, उन्हीं के जिस आदमी ने ज़बरदस्ती उनको जेल में उसको विवश किया जाने के लिए, बहुत गलती तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उनको जेल में डालने का काम किया था। वो आदमी जेल में जब गए तो जानते हो क्या किया उन्होंने, उन्होंने क्या किया था, उस आदमी के लिए जेल में एक जोड़ी चप्पल बनाई, एक जोड़ी उनको पहनने के लिए चप्पल जेल के अंदर बनाते हैं वो गांधी जी, और उनको फिर बाद में भेंट किए। तो उस जो जेलर वो था ना आदमी, वो बड़ा अफसर रहा होगा अंग्रेज गवर्नमेंट के समय का, तो उन्होंने क्या लिखा है अपने जीवन के विषय में, गांधी जी के विषय में, मैंने उसके लिए ऐसा किया और उसने मेरे लिए अपने हाथों से मेरे लिए चप्पल उन्होंने बनाई।
और जब मैं चप्पल कुछ दिन पहना तो मुझे गवारा नहीं हो गया, इतने बड़े महापुरुष के बनाए चप्पल को क्या मैं पहनने योग्य हूँ? सोचिए जरा से। और हम लोग क्या करते, मुझे निकलने दो फिर बदला लूँगा, होता है कि नहीं होता जनरली? क्योंकि तुमने ही, तुम्हारे ही कारण मैं जेल में आया हूँ। और गांधी जी क्या कह रहे थे, देखो मैं क्यों उनके प्रसिद्धि हुई, क्यों उनकी विशेषता हम लोग गाते हैं। एक दूसरी घटना, ट्रेन में वो जैसे ही बैठने वाले थे किसी ट्रेन में कहीं जाने के लिए, उतने में उनके एक पैर की चप्पल गिर गई। अब ट्रेन चल पड़ी, ख्याल करिए, ट्रेन चल पड़ी और चप्पल गिर गई, अब क्या करेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना? अब बड़ा कभी तो बड़बड़ाएंगे जो भी होगा, चप्पल गिर गई कैसे हो, ट्रेन तो रुकने वाली नहीं है। गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक चप्पल पैर में, एक चप्पल नीचे गिर गई, क्या करते हैं, दूसरी चप्पल को भी पैर से उतारते हैं और तुरंत फेंक देते हैं नीचे। लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, एक तो गिरी गई, उन्होंने कहा एक चप्पल तो गिर गई, अब तो मैं उठा नहीं सकता, तो एक ही चप्पल यदि किसी को मिलेगी तो किसी काम नहीं आएगी, इसलिए मैंने दूसरी भी फेंक दी ताकि किसी काम आ जाए। ये जो सोच का तरीका है ना, कितनी बड़ी बात है। उनके सोचने का ढंग कैसा और हम लोगों का सोचने का ढंग कैसा, बिल्कुल अलग। यही अंतर डालता है एक महापुरुष में और एक सामान्य पुरुष में, यही अंतर डालता है। उनके मन में जब इस प्रकार के विचार चलते रहते थे, कैसे कम से कम में मैं निर्वाह कर सकूं, कैसे अहिंसा का पालन कर, सब कुछ के बारे में, और वो जो नियम बनाते थे, जो करते थे, फिर उनको चिंता नहीं होती थी कि ये धर्म वाले क्या कहेंगे, अमुक लोग क्या कहेंगे। देखिए वो गीता के विषय में थे निष्णात, मतलब उनकी निष्ठा थी, प्रार्थना करते थे, भगवान तो कहते थे, वो कहते थे। मैं एक संस्मरण जो सुना रहा था भूल गया कि गांधी जी के बारे में कहते हैं कि वो कबीरपंथी थे, मतलब उन्होंने कबीरपंथी थे कि नहीं अलग विषय हुआ, लेकिन इतना उन्होंने कहा था कि मेरी माँ कबीरपंथी थी। अब वो तो कबीरपंथी तो नहीं रहे होंगे जैसा लगता है, लेकिन माँ के गर्भ से ही कहना चाहिए उनको कबीर साहब के विचारों के संस्कार तो मिलते रहे। जब वो स्तनपान भी किए होंगे तो माँ के विचार आते रहे होंगे, और इसीलिए उनके जीवन में कबीर साहब के विचारों से काफ़ी तालमेल है बहुत बातों को लेकर के। तो ये बात आई तो उन्होंने एक और घटना मुझे याद आ रही गांधी जी के बारे में। एक बार वो एक पशुपाल, कभी कभी वो बछड़ा था शायद आश्रम में उनका, तो बछड़ा की बकरी है क्या है एकदम ख्याल नहीं आ रहा है, तो इतना बीमार, इतना उसको कष्ट होता था, तो गांधी जी ने, बछड़ा ही है शायद, बछड़े की बात है, तो उसने कहा कि इसको अब ऐसा इंजेक्शन दे दो ताकि ये मर जाए। अब ये बात, अब गांधी जी बोलते थे कि मतलब दूर तक आवाज़ जाती थी, बहुत जगह फैल जाती थी आवाज़ हुई। गांधी जी गोवंश हो गए ना, गोवंश है वो, तो फिर उसकी हत्या करना तो गो हत्या बराबर की बात हो गई, विरोध चलने लगा। तो कहें इससे नरक हो जाएगा बापूजी, आपका ये हो जाएगा। बापूजी ने कहा मैं नरक जाने को तैयार हूँ, बस इनको छुट्टी मिले, समझ रहे हैं ना, मैं नरक जाने को तैयार हूँ क्योंकि इनको इतना कष्ट हो रहा है, तकलीफ इतनी है, वो तकलीफ मुझे देखी नहीं जा रही है, वो तकलीफ देखी नहीं जा रही है। सामान्य रूप से क्या करेंगे, गांधी जी हिंसा किए लगेगा ना, लेकिन वो हिंसा नहीं है, उनकी दृष्टि से वो अहिंसा है। कहने का मतलब है बहुत ऐसी बातें उनके जीवन की हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, बस यही कि उसके विस्तार से पढ़ने की ज़रूरत है। दो छोटे छोटे उदाहरण दे करके मैं उनके विषय में वार्ता बंद करूं। एक बार कैसे मन में जो विचार चलते हैं वो कैसे जीवन को, जीवन में कैसे उसका प्रभाव दिखाई देता है। मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को, हम सब भी इस बात को ध्यान में रखें, क्या मैं कैसा सोचता हूँ, मेरे मन में कैसे विचार चलते हैं। आप ध्यान दीजिए, यदि मन में गलत विचार चल रहे हैं लगातार, हिंसा के विचार चल रहे हैं, चोरी के विचार चल रहे हैं, अनाचार के विचार चल रहे हैं, तो फिर
आपके जीवन में वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए क्या ध्यान रखना है, सोचते समय हमेशा ध्यान रखो, गलत विचार मन में आए तो हटा दो, नहीं तो जीवन गलत बन जाएगा। मैं एक चीज़ बताऊं, मेरी बातें देखो, सत्संग भी है, दोनों को जोड़ना है मुझे। एक आदमी चुपचाप बैठा है, ख्याल करिए ज़रा से, और चुपचाप बैठ करके उसके मन में क्रोध जगा, मतलब किसी की गलती की याद आई और अंदर अंदर वो क्रोधित हो रहा है, नाराज हो रहा है, अंदर अंदर बहुत क्रोध से भर गया है, अंदर से बाहर प्रकट नहीं कर रहा है लेकिन अंदर में वो भयंकर क्रोधित है। कितने देर तक के? करीब घंटा भर। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, घंटा भर पहले जो उनकी दशा थी और एक घंटे तक क्रोध के विचार आने से अब वो आदमी अलग हो गया। वो अलग हो गया क्यों? अब उस आदमी में क्रोध करने की संभावना बढ़ गई जो एक घंटे पहले नहीं थी, लेकिन एक घंटे तक क्रोध के विषय में सोचने से अब क्रोध करने की संभावना उसकी बढ़ गई। कैसे विचारों का इम्पेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। एक दूसरी बात, कोई अकेले बैठ करके हत्या के बारे में सोच रहा है, किसी की हत्या कर देनी, वो ऐसा आदमी है, हिंसा अहिंसा, ऐसा घंटा भर हत्या के बारे में। एक घंटे तक जो कोई मन में हत्या के बारे में सोचे तो एक घंटे के बाद में उस आदमी की हत्या करने की संभावना बढ़ जाएगी जो एक घंटा पहले थे उससे ज़्यादा, क्योंकि एक घंटा पहले ये विचार नहीं था। कैसे विचार आते हैं? अच्छा, क्या उसको मना सकते हैं हम लोग सब मिल करके? तो देखो, उनको थोड़ा से शांत रख ले तो गांधी जी के संबंध में बात याद आई। एक बार क्या हुआ कि उनके मन में हमेशा परिग्रह परिग्रह की मन में बातें आती थी, कम से कम में काम चलाओ। तो हुआ क्या, एक बार जेल में थे, संभवतः जेल में ही थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके सेवा में थे, कह लो सहयोग में थे। सुबह जलपान में खजूर लेते थे, रात में 10 खजूर भिगा देते थे और सुबह उसको लेते थे वो गांधी जी। वल्लभ भाई पटेल जब खजूर भिगाने लगे, कई दिनों से भिगाते रहे और सुबह उनको साफ करके देते थे। फिर एक दिन मन में हुआ, इतना काम करना पड़ता है बापूजी को, ये 10 खजूर से कितनी एनर्जी आएगी, कितनी शक्ति आएगी। उन्होंने क्या किया कि थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, तो 10 की जगह उसने 15 कर दी और 15 हो गई। उनको क्या पता था कि इसके बारे में भी बापूजी ध्यान देंगे, अरे भाई 10 खजूर की 15 खजूर, तो उसने 15 खजूर उसमें भिगा दिए। सुबह टाइम जब उनको दिया गया, ला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ला करके देते हैं, तो गांधी जी तो बड़े हर चीज़ को बड़े गौर करते थे, देखे आज खजूर कुछ ज़्यादा लगता है। अब देखिए, तो वहीं खड़े थे, अब जिसे दे दिए, हम लोग गुरुदेव जी कोई देते थे कोई भी चीज़ खाने के लिए, उसके पश्चात बाजू खड़े ही रहते थे कोई ना कोई, तो वैसे ही वो खड़े थे। तो कहा कि सोचे, तो सरदार वल्लभ भाई कहते हैं, वल्लभ ज़रा गिनो इसको, कितने हैं ये अब तो यही बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए, तो उनको पता ही था, गिने तो 15। कहा कि 10 की चर्चा हुई थी, 10 भिगाने की, 15 कैसे हो गई? उन्होंने कहा, बापू जी 10 और 15 में क्या फ़र्क पड़ता है, आपको मैंने सोचा कि आप 15 थोड़ी सी शक्ति रहेगी ठीक से, इसलिए मैंने 15 कर दिया। उन्होंने क्या कहा, 10 और 15 से क्या फ़र्क पड़ता है? इतनी बातें सुन के गांधी जी आँखें बंद कर लिए, कुछ सेकंड सोचे, अच्छा बहुत बढ़िया सूत्र दे दिए, 10 और 15 में कोई फ़र्क नहीं है, तो अब कल से 5 खजूर भिगाना, 10 और 5 में भी कोई फ़र्क नहीं है फिर तो। मैं क्या कह रहा था, जिसके मन में हमेशा कम से कम में चाल काम चलाने का मन चलता हो, विचार चलते हों, उसके जीवन में इसी प्रकार के घटनाएं घटेंगी, ऐसे ही उनके शब्द व्यवहार होते चले जाएंगे।
लेकिन और अधिक तो सब कम पड़ने लगेगा। एक दूसरी बात, अहिंसा के मन उनके विचार मन में आते थे, उसी की बात है, शायद वो आश्रम की बात है, साबरमती हो या वहाँ की बात हो। तो महादेव भाई देसाई वे साथ में थे एक बार, तो सुबह उसमें थोड़ा सा गुनगुन पानी रहता था, उसमें शहद डाल करके पीते थे, शायद नींबू भी डालते रहे होंगे, जैसा भी हो। तो पानी वो ठीक से उबाल करके, मतलब बहुत गर्म पानी लाए और वहाँ रख दिए, खुला ही रहा, लाए तब भी खुला था, रखे तब भी खुला था, वैसे मतलब ढका नहीं था। जब उनको दिए तो बापूजी तो देख रहे, तो उन्होंने कहा कि महादेव भाई से कि महादेव ये पानी ढककर रखना चाहिए, गर्म पानी। उन्होंने कहा कि पानी ढककर क्या, मैं तो देख ही रहा हूँ, वही खड़ा भी हूँ, कुछ थोड़ी गिर गया ऊपर से, कुछ गिरेगा भी नहीं। बापूजी क्या कहते हैं, देखो गिरने की बात अलग है, लेकिन वो जो गर्म पानी उबल रहा पानी है, उससे जो भाप बन रहा है, उस भाप से जो गर्म है, उससे छोटे छोटे जो वातावरण में जीवाणु हैं उसको कष्ट हो सकता है, तुमने खुला उसको ढककर क्यों नहीं रखे। देखिए मतलब उनकी जो सूक्ष्म सोच है, क्योंकि अहिंसा के विषय में जो सोच रहे थे उनके, कैसे उनके जीवन में आता है। मैं तो इसलिए कह रहा था, हम जो सोचते हैं ना हमारे मन में, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारी साधना क्या होनी चाहिए, विचार पर ध्यान दो, गलत विचारों को हटा करके अच्छे विचारों को स्थापित करो, ये बहुत ज़रूरी है। कल मैंने थोड़ी सी चर्चा भी की थी इस संबंध में कि अच्छे विचारों को सोचने की आदत डालो। सबसे हमारे यहाँ हम सबके भी जीवन की यही बात है, एक छोटा बच्चा, सब कुछ सिखाया जाता है, खाना सिखाया जाता है, पीना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, कपड़ा पहनना सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। क्या नहीं सिखाया जाता, सोचना, कैसे सोचें यह नहीं सिखाया जाता है। सबसे बड़ी बात है, और जीवन के लिए हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले ये विचार, जिसके बारे में कोई प्रशिक्षण नहीं, आपस में कोई चर्चा नहीं। कितनी बार मैंने आप लोगों के बीच ये उदाहरण दिया है, एक लेखिका लुईस एल हे, जिनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ, उन्होंने ये बात लिखी है, आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियाँ रटाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आता बच्चों को लड़ाइयों की तिथियों को याद करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, उन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि विचार जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, और आप अपने विचारों को बदलकर जीवन को बदल सकते हैं, इस बारे में क्यों नहीं बताया जाता है। इसलिए हम सभी इस बातों को ध्यान में रखें। कबीर साहब जी ने यही बात कही है कि आप अपने मन को संयमित करो, संभालो, और वो फिर प्रभाव जीवन में आएगा। इतनी बार मैंने ये बातें कही, क्योंकि जो शब्द निकल रहे हैं कहाँ से निकल रहे हैं, भीतर से ही निकल रहे हैं। हमारे एक्शन होते, कोई भी क्रियाकलाप हम जीवन में करते हैं, वो कहाँ से होते हैं, भीतर से होते हैं, बाहर से थोड़ी आ रहे हैं। यदि कोई आदमी चोरी करता है, हिंसा करता है, चाहे वो नशा पान करता है, चाहे वो प्रेम करता है, करुणा करता है, किसी का सहयोग करता है, सब कहाँ से आ रहे हैं, क्षमा कहाँ से आती है, घृणा कहाँ से आती है, सही है ना, सब भीतर से, सब भीतर से। और वहीं कहीं गड़बड़ है, हमारे मन में ही कड़वाहट है, हमारे मन में ही कड़वाहट है, तो शब्दों में कड़वाहट आने वाली है। क्योंकि कहाँ से आना है, शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, वहीं से निकल रहे हैं। सच कहा जाए ना तो मन ही तो शब्द के रूप में बाहर आ रहा है, वहाँ अव्यक्त है, यहाँ पर व्यक्त है, बस थोड़ा सा लाउड कर दिया, उसको आवाज़ बढ़ा दिए, नहीं तो अंदर अंदर तो बोल रहे हैं हम लोग, हर समय बोलते रहते हैं। वो जो शब्द है, क्योंकि बिना शब्द के तो कोई सोच ही नहीं सकता है, भाषा के बिना कोई विचार थोड़ी होता है। बाहर बोल रहा हूँ वो भी भाषा है, अंदर सोच रहा हूँ वो भी भाषा है, बस लेकिन अंदर है वो बाहर आया। साहब की पंक्ति सबको याद है,
जो रहे करवा सो निकरे टोटी, याद है कि नहीं है, याद कर लो बीजक, जो रहे करवा सो निकरे टोटी, जो अंदर है वो बाहर। इसलिए कहाँ ठीक करना है, आप वाणी का कितना संयम कोई कर पाएगा, बाहर तो नहीं बोलेगा ठीक है लेकिन अंदर तो बोलेगा। आप अंदर पहले लाते हैं तब बाहर निकलता है। जैसे किसी को गाली देना हो, किसी को कोई गाली देता है तो गाली ऐसे कैसे निकल जाएगी, सोचो जरा से। पहले गाली को किसी ने जिया है पहले, अर्थात गाली को कई बार उसके मन में वो कौन दी है गाली, अब शब्द, और वो चीज़ तब बाहर निकली है, वो चीज़ तब बाहर निकली है। ऐसे कैसे हो जाएगा अचानक, जिस जो आपके भीतर हो ही ना वो निकलेगा कहाँ से, नहीं निकल सकता है। इसलिए क्रोध है वो बाहर निकला है, निमित्त कोई बन गया वो बात अलग है, लेकिन जो नहीं है वो कैसे निकलेगा। हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी क्रोध करते हैं, थोड़ी सी बात कहूँ मैं, कभी कभी क्रोध करते हैं, कभी कभी काम का चिंतन आता है, बात सही है लेकिन सच क्या है, सही हर समय हमारे अंदर क्रोध है, हर समय काम का चिंतन है, विकार तो बना ही है, वो निमित्त मिला बस और वो उसको एक्टिव कर दिया। अभी क्या है, वो पैसिव मोड में है, अब कोई कारण बना उसको एक्टिव कर दिया, वो बाहर निकल गया, होगा नहीं तो कहाँ से निकलेगा। गाली नहीं रहेगी तो निकलेगी कहाँ से, जरा कल्पना करिए बुद्ध के सामने चले जाएं और गाली दें, क्या भरोसा करते हैं वहाँ से गाली लौट के आएगी। कबीर के सामने चले गए गाली दिए कोई, क्या वहाँ से गाली लौट के आएगी, अच्छा क्यों नहीं आएगी, गाली नहीं दे सकते वो, समझ रहे हैं ना, नहीं दे सकते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम जो भीतर है ना, इसको ध्यान दो, इस चीज़ को, इनर कन्वर्शन, आंतरिक परिवर्तन, और ये जब हो जाएगा तो शब्दों को बदलना नहीं, वो बदल ही जाएंगे। मन में मिठास होगी, मन में मिठास होगी, मन में पवित्रता होगी तो शब्दों में भी निकलेगी, हमारे क्रियाकलाप में भी बाहर आने वाले हैं। क्रोध है तो क्रोध शब्दों के माध्यम से भी निकलेगा, और शब्द में नहीं निकालेंगे तो हमारे हर क्रियाकलाप में निकलने वाले हैं। मैं कई बार ये कहा कि जब कभी ये माताएं जो बैठी ना जगदम्बा, अच्छा कल से ही शुरू होने वाला है, कल से तो इन्हीं लोगों की भजन पूजन होना है, इन्हीं लोगों की आरती वंदन होना है, जगदम्बा हैं वो ख्याल आ गया। तो जब जिस दिन ये लोग घर में मौन हो जाती हैं, जिस दिन नहीं बोलती है, मैंने पढ़ा है कि जिस दिन ये घर की महिलाएं नहीं बोलती हैं घर में आवाज़ 6 गुना ज़्यादा हो जाती है, फाटक की आवाज़ बढ़ जाएगी, बर्तन की आवाज़ बढ़ जाएगी, बच्चों को तमाचा ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हैं ना। बाहर नहीं बोल रहे हैं लेकिन भीतर कितना बोल रही हैं, बहुत घमासान युद्ध चल रहा है, वो जो बोल रहे हैं ना बहुत, कहाँ से निकला वो, वो जो चाटा मारना है बच्चों को, वो बर्तन का आवाज़ जा रही है, कहाँ से आ रही है, भीतर की आवाज़, भीतर की आवाज़ अब बाहर निकल रही है, तो हमारे एक्शन में दिखाई देंगे, हम चलेंगे तो पता चलेगा। मैं सही बताऊं, जो क्रोध बहुत जिसके अंदर उद्वेग होता है ना, सीढ़ी से चढ़े और उतरे ना तो पता चल जाएगा, हाँ मुख उतर रहा है उनके अंदर से, गजब है ये पूरा आपके पूरे शरीर से निकलेगा, इतना ही नहीं कि केवल शब्दों से निकलेगा, पूरे शरीर से विकीर्ण होता है ये। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हर आदमी एक रेडिएटर की तरह तो है, हर समय रेडिएशन क्रिएटर, मोबाइल से हर समय निकलता है ना, सेम सिस्टम है ये, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो क्या है भावना, वो सब बाहर विकीर्ण हो रही हैं और प्रभावित करती हैं। आप ध्यान दीजिए, पति पत्नी साथ हैं, जिस दिन पति किसी बात को लेकर के नाखुश हैं, क्या वो पत्नी को पता नहीं चलेगा, चेहरे से पता नहीं चलेगा, आँखों से पता नहीं चलेगा, आँख देख के ही जान जाएंगी देवियाँ, समझ लीजिए। आपको मैंने कितनी बार ये कहा कि जैसे बच्चे गए स्कूल और पति और पत्नी आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई हो गई,
बच्चे आए 2-3 घंटे के बाद, मैं पूछूं बच्चों को पता चलेगा कि नहीं आज लड़ाई हो गई है कह के, समझ रहे हैं ना, बच्चे जान जाएंगे आज तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलग है रिएक्शन, कितना है समझ। और हम क्या समझ रहे हैं, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ मैं तो दीक्षा लिया हूँ, मैं तो वहाँ मंदिर गया था या मंदिर गई थी, ये ऊपर के कर्म कांड करके हम अपने आप को धार्मिक मान लेंगे। धर्म बाहर है ही नहीं है, धर्म भीतर की चीज़ है। साहब ने कहा जाग क्या हृदय बसी, सदा धर्म जाके हृदय बसी, राम कसौटी कसत ही रही। थोड़ी सी चर्चा थी, रहो सम्हारे राम विचार, राम कसौटी, जिसके हृदय में ही धर्म बसता है। और धर्म हृदय का ही विषय है ना, मंदिर का विषय नहीं है, पोथी का विषय नहीं है, पूजा पाठ का विषय नहीं है, धर्म धर्म हृदय का विषय है, धर्म वही है। तो हम अपने अंतस को पवित्र करें, और अंतस को पवित्र कर लेते हैं, उसको काम कर लेते हैं भीतर का काम, फिर शब्दों को अलग से बदलना नहीं, फिर नहीं कहना पड़ेगा झूठ मत बोलो, गाली मत दो, कटु मत बोलो। अरे कटुता तो पहले ही निकल गई भीतर से, कहाँ से कटुता आएगी, क्रोध पहले ही खत्म हो गया है, कहाँ से क्रोध आएगा, कहाँ से कड़वाहट आएगी, छल कपट है ही नहीं भीतर, कहाँ से छल कपट करेंगे, धोखा वाली बात ही नहीं है, हम कैसे धोखा दे सकते हैं जब भीतर में धोखा देने का भाव ही नहीं है, विचार ही नहीं है, नहीं है। धोखा हम दूसरों को नहीं देते हैं, सच बताऊं ना, दूसरों को धोखा देने के पहले हम खुद को धोखा देते हैं, दूसरों को कटु कहने के पहले हम कड़वाहट को जीते हैं, दूसरों का नुकसान करने के पहले हम अपना नुकसान कर लेते हैं। जो अपना नुकसान नहीं करता वो दूसरों का नुकसान कर ही नहीं सकता है। दूसरों का नुकसान आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपना नुकसान न कर लें, ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दें। हम क्या मान रहे हैं, मैं दूसरों को धोखा दे रहा हूँ, मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं खुद को दे रहा हूँ। साहब इसी आशा से कहते हैं कबीर, आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुखूब जे और ठगे दुख होए। उसने ठग लिया, रुपये पैसे ठग लिए, जमीन कुछ भी ठगा, ठग लिया ना, आपकी आत्मा बची है, आपका जमीर बचा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। और यह जानना क्या है, अपनी आत्मा को बेच करके आप संपत्ति बचा रहे हैं, अपनी आत्मा को बेच करके कुछ धन बचा रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या। साहब ने क्या कहा, और न ठगिए कोई। एक चुटकुला कहूँ आप लोगों के लिए, एक छोटा एक घर था, तो माँ ने कहा अपने बेटे से, छोटा रहा इतना ही बड़ा रहा होगा वो बेटा, रख रख तुम रखो इतना ही बड़ा रहा होगा, तो कहा पप्पू एक काम करो, ये बहुत सारा सामान रखा है डिब्बे में, और एक सामान खोजना होता है मुझे तो फिर मुझे कई डिब्बे खोलने पड़ते हैं, तो काम करो डब्बा में क्या क्या सामान रखा है ज़रा देख लो और डब्बे के बाहर नाम लिख दो। और ठीक है, और कई बार होता है कि एक ही सामान कई डिब्बे में रखे हैं, तो उसने क्या किया, बच्चा तो बड़ा ही हो गया था, डब्बा खोला, पता है ना चावल है तो चावल, अच्छा दाल है तो दाल, जीरा है तो जीरा, मिर्चा है तो मिर्चा, धनिया है, सब लिखता चला गया, नमक है तो नमक, ऐसा सब लिखता चला गया। कहा कि काम हो गया, कहा मम्मी सब काम कर दिया, पूरा लिख दिया लिस्ट, पूरा वो डब्बा में सब लिख दिया। मम्मी ने क्या सोचा कि ज़रा देख लूँ कहीं ऐसा तो ना हो कि सामान अलग हो नाम अलग हो, फिर झंझट पड़ेगा, हो भी सकता है धोखे से, तो चेक करने लगी, तो चेक करते समय क्या पाती है, नमक के चीनी के कई डिब्बे थे, 2-3 डिब्बे में चीनी रखे थे, अच्छा बाहर क्या लिखा था, नमक नमक नमक। तब उसकी मम्मी ने कहा बेटा ये जो चीनी के डिब्बे में तुमने बाहर नमक नमक क्यों लिख दिया है, तो छोटे बच्चे ने क्या कहा, मम्मी चींटियों को धोखा देने के लिए। बताओ चींटियों को धोखा देना है कि खुद को धोखा देना है, समझ में आ रहा है ना, ये कहाँ से निकला है, भीतर से, बाहर से नहीं निकला है। ये जो छल कपट है, ये जो द्वेष का भाव है, ये जो नफरत का भाव है, ये जो घृणा का भाव है, पहले हम जलते, इसको कहते हैं मानसिक जहर, हम जहर पीते हैं रोज,
नहीं, अब बदलना है, अब जीवन को बदलना है, ऐसा नहीं करना है, अब पवित्रता लानी है, उसको ठीक करना है। आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, इसका अर्थ ही क्या है? बस दो मिनट मैं और कहूँ, दो तीन मिनट, कि इसका अर्थ ही क्या है? मैं ध्यान में बैठूँ घंटा भर, मैं प्रार्थना करूँ, मैं माला जपूँ, कोई भी करे, कोई मंदिर में जाके पूजा करे, इसका क्या अर्थ है? मैं पूछूँ जरा से। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने भीतर पवित्रता को अर्जित कर रहा हूँ, उसकी कमाई कर रहा हूँ, सही है ना? शांति को अर्जित कर रहा हूँ। अब क्या करना है इसको? जब मैंने कमाया, उसको मुझे क्या करना है? आप लोग क्या करते हैं? जैसे आपको महीना भर काम करते हैं और महीने के बाद में तनख्वाह मिलती है, क्या करते हैं? तनख्वाह ला करके क्या करते हैं? पत्नी को देते हैं, लो जी तुम अपना राशन पानी की व्यवस्था करना, बांट रहे हैं। बच्चों को देते हो, जाओ तुम फीस अपना स्कूल को जमा करना, कापी पुस्तक लेना और तुम्हारे जेब खर्चा के लिए। अच्छा, कोई भिखारी दरवाजे में दिखा, उनको भी लो तू भी 10 रुपया ले। पैसा कमा के लाया है तो पैसा वो बांट रहा है, सही है ना? पैसा कमा के लाया तो पैसा बांट रहा है। ऐसे ही हमने साधना करके, पूजा पाठ करके, सत्संग करके जो पवित्रता हमने अर्जित की है, जो हमने अंदर आनंद का अनुभव किया है, उसे बांटें। बांटें कहाँ? बांटें अपनों में बांटें। यदि मैं साधना किया और आनंद नहीं बांट पा रहा हूँ, पवित्रता नहीं विसर्जित कर पा रहा हूँ, दे पा रहा हूँ, कड़वाहट दे रहा हूँ, इसका मतलब मैंने साधना के नाम पर केवल कड़वाहट इकट्ठी की है और कुछ नहीं है। उस पूजा और पाठ के नाम से मैंने गंदगी इकट्ठी की है, तभी तो मेरे मुंह से गंदगी निकल रही है, तभी तो मेरे एक्शन में गंदगी हो रही है। इसलिए आवश्यकता है कि मैं साधना करूं, हम सभी करते चले जाएं, जीवन को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। तो आज पितृमोक्ष है, पितृमोक्षक हम नहीं जानते उनका मोक्षक होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम अपने मोक्ष के जिम्मेदार स्वयं हैं, हम जिम्मेदार हैं। और वो मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, भीतर भीतर यदि आप शांति का अनुभव करते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आनंद का अनुभव करते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है अपने अपने भीतर का आनंद का अनुभव करना। तो आज मैंने कहा कि गांधी जी की आज जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री के विषय में ज़्यादा नहीं कह पाया, गुरुदेव जी से कभी सुना था कि अब वो अपना बड़े कम से कम में, बड़े गरीबी में वो अपना काम चलाते थे, कोट अब वो बाहर भी जाना हो विदेश तो भी नया कोट नहीं बनवाए, पुराने से ही रफू करवा के काम चला लिए। मैं एक दो जगह पढ़ा, उनके विषय में ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया। एक संस्मरण गुरुदेव जी कहा करते थे, मैं उन्हीं से सुना हूँ, एक कोई उनके पुराने मित्र गाँव का, वो सोचे कि गृह मंत्री हो गए हैं, पहले वो गृह मंत्री थे तब की बात है, और उनका बेटा पुलिस की नौकरी में ऊंचाई कम हुई, थोड़ी सी लंबाई कम हुई, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिए। अब उनको अप्रोच करने गए कि लाल बहादुर शास्त्री ये तो गृह मंत्रालय में हैं, गृह मंत्री हैं तो मेरी बात तो मान लेंगे। गए उनके पास, कहे कि मिले जुले बातचीत किए कि मेरा बेटा परीक्षा पास कर लिया है लेकिन लंबाई थोड़ी सी 1 या 2 इंच कम है, इसके नाते उनको रिजेक्ट कर दिए हैं, आप कह देंगे तो हो जाएगा। वो इंसान ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने क्या कहा, मैं इस पर आपकी सेवा नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस विभाग का अपना नियम है, मैं इसमें कोई नहीं, उनके नियम के अनुसार ही भर्ती होगी, आपका बेटा योग्य होगा तो भर्ती हो जाएगी, मेरे वहाँ पर कुछ भी करने वाला नहीं, भले मैं गृहमंत्री। तो वो बड़ा आदमी भड़क गया, मित्र पुराना लंगोटिया यार रहा होगा, भड़क गए, आपकी 4 फीट कितने इंच के थे आप, इतने ऊंचाई लंबाई कम हैं और आप गृहमंत्री हो गए और मेरा बेटा थोड़ा सा लंबाई कम है पुलिस नहीं हो सकता है? बड़े विनम्रता से उन्होंने कहा कि मैं और छोटा यदि लंबाई कम हो जाए तो भी कोई गृहमंत्री हो सकता है मेरे से भी कम लंबाई वाला, लेकिन मैं खुद चाहूँ तो मैं भी पुलिस नहीं हो सकता क्योंकि मेरी लंबाई कम है। इतना नैतिक थे वो, इतना निष्ठावान थे अपने नैतिकता के प्रति, सत्य के प्रति। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे बापू जी के प्रति स्वाभाविक हम लोग के मन में श्रद्धा जगती है उनकी यादों में, उनके नमन करते हुए। और आप सबको
शुभकामना देते हुए कि आप सबका भी जीवन स्वस्थ हो, प्रेमपूर्ण हो, समृद्ध हो और आनंदमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको साहेब बंदगी साहेब।